हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल, मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और आज हम एक ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करके बेहतर से बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड में इन्वेस्ट करके 6 से 7% डिस्काउंट पा सकते हैं आसानी से, और आप उतने डिस्काउंट पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे 6 से 7% आपको डिस्काउंट पे गोल्ड मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। आज हम गोल्ड के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड के बारे में, एंड आज हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो सबके बारे में हम प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे कि क्या उसकी कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड के बारे में। जैसा कि हम नाम से जानते हैं, फिजिकल मतलब उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड औरतों का सबसे प्रियतम गहना है एंड आभूषण के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं। बट एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस ये एक मोर जस्टिफाइड ओपिनियन नहीं है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए फिजिकल गोल्ड को। चलिए हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की क्या लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 500 या 1000 रुपए हैं और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिजिकल गोल्ड में, तो आपको 1 ग्राम 2 ग्राम सोना मिलने में कठिनाई होगी, बिकॉज 500 रुपए का 1 ग्राम सोना नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। दूसरी बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब भी आप सोना लेके आएंगे घर पे, तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, आपको तिजोरी में रखना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब आप गोल्ड की कोई भी चैन बनवाते हैं, लॉकेट बनवाते हैं, तो उसके कुछ मेकिंग चार्जेस होते हैं, और उस गहने को जब सेल करते हैं तो उसके कुछ मेल्टिंग चार्जेस होते हैं, उसको गहने को पिघला के दूसरा गहना बनाना पड़ता है। तो मेकिंग चार्जेस एंड मेल्टिंग चार्जेस दोनों लगते हैं, जो कि 10 से 15% या 15 से 20% के आसपास होते हैं। फिजिकल गोल्ड पे जीएसटी एक टैक्स है, जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो जीएसटी आपका लगता ही लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई इनकम नहीं होती है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और तो फिजिकल गोल्ड से आपकी कोई भी रेगुलर इनकम नहीं हो सकती, आपको उसको बस रखा रखना पड़ेगा अपने घर में, और जब आपका मन करता है उसे बेचने के तो आप उसे बेच सकते हैं, बस उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। बट अगर आप सोचें कि उसकी रेगुलर इनकम कोई मिले फिजिकल गोल्ड से, तो ऐसा नहीं है। और लिक्विडिटी की बात की जाए कि लिक्विडिटी क्या, हम इस गोल्ड से हम इजिली हम इसे बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने 22 कैरेट सोना खरीदा, आप किसी दूसरी दुकान पे गए, उसने कहा ये तो सोना खरा नहीं है, इसकी 22 कैरेट नहीं, मैं आपको 18 कैरेट के आसपास ही पैसे दूंगा, तो ये भी आपको सोचना पड़ता है। इसीलिए इसमें लिक्विडिटी में दिक्कत आती है। तो आपने जहां से सोना खरीदा आपको वहीं वापस जाना पड़ता है और उसी दुकानदार को बेचना पड़ता है। एंड बात रही इम्प्योरिटीज की, तो इम्प्योरिटीज यानी कि अगर आपने किसी छोटी दुकान से खरीद लिया सोना, तो आपको ये भी डर रहता है कि वो सोना असली है या उसमें कुछ मिलावट तो नहीं की गई है, तो ये भी डर रहता है मिलावट का। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं जो कि लिमिटेशंस है फिजिकल गोल्ड की। चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड एक साधन है जिसमें आप छोटे से छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ये एक अच्छा एस्पेक्ट है, बिकॉज इसमें अगर आपको 100 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं तो डिजिटल गोल्ड के माध्यम से आप इजिली 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसी भी आपकी पॉकेट मनी है उसके हिसाब से आप गोल्ड में लगा सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट फेवरेट पॉइंट है कि डिजिटल गोल्ड में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप छोटा से छोटा अमाउंट भी लगा सकते हैं। बात रही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने की वजह से हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं होती, बिकॉज जितने का हमने सोना खरीदा होता है, अगर मान लीजिए हमने 500 का सोना खरीदा, तो 500 रुपए के जो सोना है वो जो हमारी कंपनी है जिसका हमने सोना खरीदा है वो हमारे उस पैसे से सोना खरीद लेती है। मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर 500 2000 रुपए का सोना खरीदा, तो हम 2000 का इकट्ठा सोना कंपनी ने खरीदा और अपनी तिजोरी में रख दिया। तो हमें ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कंसर्न नहीं है कि हमारी जेब में रखा है, हमने अपने घर में रखा है, वहां से चोरी हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो ये सब चीजों के बारे में हमें सोचना नहीं है। लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है, बिकॉज हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही हम बेचेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये उसी का सोना है, हम उसी को वापस कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी इज मोर इन डिजिटल गोल्ड।
तो ये तो इसके प्रॉस थे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अच्छी है एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, लिक्विडिटी भी मोर है। पर इसकी कुछ कॉन्स हैं जिसकी कमियां हैं, जैसे टैक्सेशन, जैसे 3% जीएसटी का लगता ही लगता है, जो कि फिजिकल गोल्ड पे भी लगता है और डिजिटल गोल्ड पे भी लगता है। तो ये इसकी एक दिक्कत है टैक्सेशन का, कि डिजिटल गोल्ड में भी ऐसा नहीं कि आपको छूट मिल जाए टैक्स से। एंड सेकेंड इसका जो कॉन्स है वो ये है कि नो रेगुलर इनकम, यानी कि आपकी कोई रेगुलर कमाई नहीं हो सकती, मंथली, छमाही और साल भर में ऐसा कोई नहीं कि आपकी रेगुलर कोई इनकम हो रही है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो इसको जब आप बेचेंगे तभी इससे आपको कमाई होगी, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। बट फिजिकल गोल्ड से मुकाबले में डिजिटल गोल्ड थोड़ा बेहतर है एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब हम डिजिटल गोल्ड से भी बेहतर एक ऑप्शन देखते हैं, जिसे हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं। और ये ऑप्शन जो है इन दोनों से और ज्यादा बेहतर है, यानी कि बेस्ट है। फिजिकल गोल्ड एवरेज है, डिजिटल गोल्ड बेटर है एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट ऑप्शन है एज ए इन्वेस्टमेंट। चलिए अब हम इसकी प्रॉस की बात करते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। सबसे बड़ी बात तो हम इसको हम स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में एंड देर इज नो सेफ्टी एंड इशू, बिकॉज ये हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदा है, डिजिटल फॉर्म में खरीदा है। तो हम इसे किसी भी डीमैट अकाउंट, जैसे हमारे पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट है, तो वहां पे इजिली जाके उसमें बाय कर सकते हैं। जैसे हम शेयर को बाय करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे विप्रो है, टेक महिंद्रा है, एससीएल है या कोई भी कंपनी है जिसके हम शेयर खरीदते हैं, उसी रूप से हम सेम टू सेम फॉर्मेट में हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को भी खरीद सकते हैं जीरोधा में, और जो भी सपोर्टेड जो ब्रोकर है उनसे हम खरीद सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदा गया है, तो इसके कोई ना मेकिंग चार्जेस है ना मेल्टिंग चार्जेस है, तो देर इज नो मेकिंग चार्जेस एंड मेल्टिंग चार्जेस, ये भी बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट ये है कि देर इज नो स्टोरेज कॉस्ट एंड रिस्क, यानी कि कोई भी मतलब हम कहीं स्टोर तो कर नहीं रहे, तो इसके कारण स्टोरेज कॉस्ट कैसे लगेगी, तो ये भी एक फायदा है। चौथा पॉइंट है कि नो जीएसटी और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी कि कोई भी इससे जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज ये लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, ये इन पे 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो इस पे कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी नहीं लगता, तो ये एक अच्छी बात है। जो पांचवा पॉइंट, जो सबसे बेहतर पॉइंट है, वो है अर्न 2.5% इंटरेस्ट एनुअली एज इंटरेस्ट, यानी कि आपको 2.5% का ब्याज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड पे मिलेगा ही मिलेगा, वो 100% श्योर है। आजकल बहुत से बैंक भी जो है, जो बड़े बैंक है, वो 2 से 2.5 या 3% का ही ब्याज दे रहे हैं, तो मान लीजिए बैंक के बराबर ही इंटरेस्ट आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके मिल जाएगा, और उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो अलग है। नॉर्मली जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो कैपिटल गेन लगता है जब भी उसको हम सेल करते हैं, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे हमारे पास कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अगर मान लीजिए आपने 8 साल इन्वेस्ट नहीं किया, उसको उससे पहले बेचना चाहते हैं, तो आप 5 साल के बाद भी बेच सकते हैं, एंड 5 साल में बेच सकते हैं, 6 साल में बेच सकते हैं, 7 साल में बेच सकते हैं, 8 साल में बेच सकते हैं। बट अगर आप 8 साल से पहले बेचते हैं और 5 साल के बाद बेचते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर आप 8 साल के बाद बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आठवां पॉइंट ये है कि नो इम्प्योरिटीज, यानी कि इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि इसमें ये मिलावट हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदा गया, तो इसमें मिलावट होने की संभावना नहीं है। नौवां पॉइंट ये है कि कोलेटरल फॉर लोन, यानी कि आप इसको गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं। दसवां पॉइंट यह है गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि लंबे समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएट तो होगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप से एक बेहतर ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट, ग्यारह पॉइंट यह है कि इफ यू वॉन्ट टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट बिफोर 5th ईयर, यानी कि अगर 5 साल से पहले अगर आपको पैसा चाहिए आपका, तो आप इसे ट्रेड भी कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि अगर आप जीरोधा का अगर पास अकाउंट है, तो आप उसको 5 साल से पहले भी ट्रेड करके सेल कर सकते हैं, या जो भी सपोर्टेड ब्रोकर है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर सकते हैं 5 साल के पहले। तो ये एक तरीके से ट्रेडेबल सिक्योरिटी है, जो कि अगर आप 5 साल पहले बेच सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो एक प्रॉस की बात रही, तो हर चीज की कुछ कमियां होती हैं, कुछ फायदे होते हैं, तो फायदे हमने चुन लिए, तो हम इसकी कुछ कमियां भी जान लेते हैं। तो पहला कमी जो है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है लॉक इन होता है इसमें 8 साल का, बट
ये ट्रेडेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे। इफ यू वॉन्ट टू एग्जिट अर्ली, अगर आपको जल्दी एग्जिट करना है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वरना ही 8 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ आता है, जिसमें 5 साल का भी निकल सकते हैं एंड 8 साल का तो निकल ही सकते हैं। जो भी अगर जैसे ही आपके 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आरबीआई के द्वारा आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा और जो आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो ले लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा अगर आपने 5 साल से पहले बेचा। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज को एसआईपी में खरीदने की, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप एसआईपी में नहीं खरीद सकते हैं, आपको लमसम में खरीदना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 4 तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 2 तरीके जो हैं वो है ऑफलाइन और बाकी के 2 तरीके हैं वो है ऑनलाइन। तो पहला जो तरीका है वो है कमर्शियल बैंक। आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाएं एंड वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में सेम तरीका है, आप जाएं वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरें एंड आगे की प्रक्रिया करें और इसको आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ये तो थे ऑफलाइन तरीके, पर इसमें थोड़ी दिक्कत होती हो सकती है आपको जाने में, फॉर्म भरने में और डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। तो बैंक से भी और पोस्ट ऑफिस दोनों से आप कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। और चौथा तरीका ये है कि स्टॉक ब्रोकर, जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर है और जो भी सपोर्टेड स्टॉक ब्रोकर है उससे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास ज़िरोधा है तो मैं ज़िरोधा से डायरेक्टली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता हूं वेरी मच इजिली। जैसे हम शेयर को परचेज करते हैं सेम टू सेम लाइक दैट वी कैन बाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम द डीमैट अकाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कैसे 6-7% डिस्काउंट पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट फ्रेश इश्यू निकालती, फ्रेश आईपीओ निकालती है, साल में 4-5 बार फ्रेश इन्वेस्टमेंट करती है, फ्रेश आईपीओ निकालती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जब भी गवर्नमेंट एज ए आईपीओ निकाले आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर हैं, जो सपोर्टेड स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे कि मैंने ज़िरोधा का नाम बताया आपको, तो आप वहां से जाके परचेज करें। अगर आपके पास ज़िरोधा का अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके ज़िरोधा का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट इजिली कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मान लीजिए अगर आपका गोल्ड का रेट मार्केट में 5,000 चल रहा है, तो वही गोल्ड का आपको 4,700-4,600 रुपए में आपको सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट से आपको मिल जाएगा। बट वही अगर आप सरकार से लेंगे डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ फ्रेश इशू, तो वो 5,000 का 5,000 रुपए पड़ेगा। बट अगर आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं, तो वो आपको 4,700-4,600 में पड़ जाएगा। तो बात रही हमें शेयर मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में छूट क्यों मिलती है एंड गवर्नमेंट हमें छूट क्यों नहीं देती है, तो उसका वजह यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इमरजेंसी होती फंड की और वो अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करना चाहते हैं। तो इसी वजह से वह अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे थोड़े डिस्काउंट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। मान लीजिए किसी 5,000 का प्राइस चल रहा है, तो वो 4,600-4,700-4,800 में जैसा जिसका रेट है उस हिसाब से वो बेचना की कोशिश करेगा। जिसको जितनी ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है वो जल्दी बेचने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सस्ते में पड़ जाता है, 5-6% 7% डिस्काउंट पड़ जाता है जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। अब मैं तो यह कहूंगा कि जब भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें तो आपने स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट से खरीदें, और जब आपको सेल करना हो तो डायरेक्ट आरबीआई को सेल करें जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग पैसे देगा, रिडीम करेगा, और जो स्टॉक मार्केट है उसमें आप अपने डिस्काउंट में पैसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैसे 5-6% डिस्काउंट पे इजिली गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे NSE सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डालना है, और जैसे ही आप डालेंगे तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी वो NSE इंडिया की खुलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मार्केट वॉच सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो कि LTP शॉर्ट फॉर्म है उस पर क्लिक करना है।
और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 26 जो कि सिंबल है, यानी कि एसजीबी की फुल फॉर्म है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, मई मतलब मई का महीना, 26 मतलब 2026, यानी कि जो सिंबल का मतलब है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है मई 2026 में एक्सपायर होगा, मतलब उसकी मैच्योरिटी मई 2026 में होगी। और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 5760 रुपए चल रहा है और इसमें जो वॉल्यूम है केवल 40 है। तो मान लीजिए अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट एज ए ट्रेडिंग के रूप में करना है तो आप केवल वही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को चूज करें जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना है तो हमेशा वो चूज करें जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कम हो, सिंपल सी बात। यानी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वॉल्यूम ज्यादा देखिए, बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा रहेगी तभी आप ट्रेड कर पाओगे। यानी आज लिया 10 दिन बंद रहा, विदिन 20 दिन बाद आपने बेच दिया। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म पर रखना है तो आप वो कोशिश करेंगे जो सस्ता मिले। तो हमने सबसे पहले देखा एसजीबी मई 26। तो एसजीबी मई 26 के बारे में अगर देखा जाए, इसकी जो फेस वैल्यू है 3114 रुपीज है एंड अभी का जो प्राइस है वो है 5760 रुपए। तो 5760 रुपए में आपको ये 1 यूनिट मिल जाएगा, बट इसमें जो वॉल्यूम है केवल 40 है। तो अगर आपको सेफर ऑप्शन थोड़ा ढूंढना है तो इसके जस्ट नीचे एसजीबी जैन 26 है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जनवरी 26, ये जनवरी 26 में इसकी मैच्योरिटी होगी। इसमें 295 का वॉल्यूम है एंड 5800 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, यानी कि 5800 रुपए में आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 2881 और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है। चलिए अब हम अपना ज़ीरोधा अकाउंट खोलते हैं और ज़ीरोधा अकाउंट में जैसे ही हम वॉच लिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले ये कॉपी पेस्ट करेंगे एसजीबी मई 26। तो एसजीबी मई 26 जैसे ही खोलेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है वो खुल जाएगा, जो कि जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 5760 रुपए चल रहा है। एंड सेकंड हमने एक और ऐड कर लिया है जिससे हमने बताया था जिसका प्राइस 5800 चल रहा है, उसका है एसजीबी जैन 26। तो एसजीबी जैन 26 भी हमने ऐड कर लिया जिसका भाव 5800 के आसपास चल रहा है। तो ये दोनों बाय कर लिए, मतलब इन दोनों को हमने वॉच लिस्ट में रख लिया और इसके जैसे ही हम इसमें यूनिट ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हर यूनिट जैसे हम शेयर बाय करते हैं उसी फॉर्म से इसको भी हम बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।